और बाकी जिस किसी भी काम में आपने जो सुझाव दिया है, हम इसके लिए आपका अभिनंदन करते हैं और हम लोग तो चाहते ही हैं, बिहार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, देश के विकास में बिहार आगे बढ़ेगा तो इसके इसकी भी बहुत अच्छी भूमिका होगी। और जिस तरह से हम लोगों ने हर क्षेत्र में बिहार के विकास के लिए काम शुरू से किया है, 2005 से जब से काम करने का मौका मिला है, हम और आप बीजेपी सब लोग मिल करके ही तो सारा काम कर रहे हैं, और शुरू से ही ये काम हम लोग कर रहे हैं एनडीए के द्वारा, ये सब काम जो किया गया है। तो इसलिए हम आप सब लोगों से आग्रह करेंगे कि आप जो करिएगा बड़ी खुशी की बात होगी, बिहार का भी उत्थान होना चाहिए। और आप जानते हैं बिहार की आबादी बहुत ज्यादा, एक स्क्वायर किलोमीटर में जितनी आबादी बिहार में है उतनी आबादी देश के किसी राज्य में नहीं है, और यह संभवतः देश में भी सबसे अधिक है। तो इसको देखते हुए बिहार पर तो विशेष ध्यान देना ही ना पड़ेगा, जब इतना इसका इलाका छोटा है। जिस बिहार में इस राज्य को इस अपने पूरे देश में 12वें नंबर पर है, लेकिन आबादी को देखिएगा तो आबादी तीसरे नंबर पर है। अब तीसरे नंबर पर क्या है, वो तो दूसरे नंबर पर पहुंच जाएगा। तो आप समझ लीजिए कि इसको देखते हुए तो ध्यान करना ना पड़ेगा। आपसे तो व्यक्तिगत रूप से भी ना हम लोगों का संबंध है, कोई आज का संबंध है, बहुत पुराना संबंध है ना। तो इसीलिए, और जब यहाँ सरकार बनी हुई थी तब आप तो पार्टी के प्रेसिडेंट भी न रहे हैं, तो आपका आना जाना और हम लोगों के साथ रिश्ता तो बहुत अच्छा है। जब केंद्र में सरकार थी, श्रद्धेय अटल जी की सरकार, तो उस समय भी संबंध, तो एक एक समय से जो संबंध है, तो हम लोग अपने इन संबंधों को भूले नहीं और मिल करके निश्चित रूप से विकास के लिए और तेजी से काम करें।